we can say that they are biomolecules. Yes? Which materials we can consider that they are called biomolecules? Tell me the definition. Which three, four molecules will you consider that they are biomolecules? मैम कहना है मैम Give me the names of कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स. वेरी गुड. सो दीज फोर आर मेजर बायोमोलिक्यूल्स एंड दिस चैप्टर इज अबाउट डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. व्हाट आर लिपिड्स, व्हाट आर प्रोटीन्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. So I am sharing with you a PPT of biomolecules. I hope you are all able to see that. Are you able to see this? Yes, ma'am. Okay. So yes, molecules present in the living organisms are known as biomolecules. Simple definition boli hai ki aise chemicals ya aise molecules jo ki living organism mein milte hain, present hain. उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. और सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल कंपाउंड्स आर आयंस प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड सेलुलर पूल. तो बायोमोलिक्यूल्स के साथ साथ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर. जैसे कि वाटर हमारा सॉल्वेंट है. वाटर में हमारे आयंस सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस और कुछ बाइकार्बोनेट आयंस, ये सब आयंस हमारे मिक्स होते हैं. तो मॉलिक्यूल्स तो है ही, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स विटामिन्स ये तो है, पर इसके साथ साथ दूसरे सॉल्ट्स भी घुले हुए हैं, उनको सेलुलर पूल कहा जाता है. बायोमोलिक्यूल्स भी उसके अंदर एक कंपोनेंट है अलोंग विद द आयन. सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट्स. ऑर्गेनिक कंपोनेंट तो बायोमोलिक्यूल हो गया, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ. ऑर्गेनिक किसी भी वो चीज होती है जो कि हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई होती है. इनऑर्गेनिक चीज वो है दो, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द दैट आर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स. नेक्स्ट इज व्हाट, बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बन कंपाउंड्स एंड हेंस केमिस्ट्री और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द कार्बन. कार्बन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसमें. और एक टेबल सा भी दिया है, ये टेबल आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा कि कौन से एलिमेंट किस अमाउंट में हैं. तो नाउ हाइड्रोजन एलिमेंट है, 0.14 अमाउंट में मिल रहा है नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट का. लिविंग मैटर में 0.5 में मिलता है. तो हम देख सकते हैं कि देर इज अ लिटिल नॉन लिविंग में कोई चीज अगर कम भी है तब भी लिविंग में उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन लिविंग मटीरियल. तो हाइड्रोजन आपका 1.14 है नॉन लिविंग में, और लिविंग में देखते हैं तो डायरेक्ट हाफ हो जाता है 0.5. कार्बन 0.03 है, एटमोसफेयर में गैस के फॉर्म में मिलता है. लिविंग मैटर में वो 18.5 में मिल रहा है. ऑक्सीजन 46.6% में मिल रही है, पर लिविंग में वो आपको 65% में मिल रही है. एंड नाइट्रोजन वेरी लेस मिलती है नॉन लिविंग में. लिविंग मैटर में तब भी वो क्या बनती है आपको
3.3 मिलती है, सल्फर 0.03 0.3 मिलता है, सोडियम 2.8 है, ठीक है। तो ये आपका है। नेक्स्ट मैग्नीशियम 2.1 3.6 1.5, ये सब आयप के वैल्यूज दी हुई है। फिर अगर आप अगर फ्लो चार्ट देखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जैसे कि मैंने आपको बताया दो ही चीज से हम बने हैं, इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मिनरल गैसेस, वाटर मिनरल्स गैसेस और वाटर आते हैं इनऑर्गेनिक में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। और ऑर्गेनिक में क्या आता है, आपके सारे चारों बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक में आते हैं, विटामिंस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। आर यू एबल टू सी दिस? न्यूक्लियोटाइड, एंजाइम, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, दीज आर द ऑर्गेनिक थिंग्स। क्लियर? देन बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, स्मॉल साइज, लो मोलिकुलर वेट, बिटवीन 18 to 800 डाल्टन, फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स को दो में बांट सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स आपको स्मॉल साइज में मिल रहे हैं, यानी उनका वजन, वजन के हिसाब से माइक्रो और मैक्रो है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में है वो क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। और जिसमें आती हैं मिनरल्स, मिनरल्स जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, ये मिनरल्स होते हैं। यानी कि अभी जो मैं इनऑर्गेनिक बात करती हूँ, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, आपको पता है आपके ब्लड में आयरन भी है हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, तो ये सब मिनरल है। अलग अलग जो आयन्स हैं, अलग अलग जो नॉन मेटल हो चाहे मेटल हो, फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, आयरन क्या है, मेटल है, ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, नॉन मेटल है। तो PO4 यानी फॉस्फोरस, तो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ये भी हमारे बॉडी में माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी 18 से 800 डाल्टन के बीच में इनका साइज होता है। वाटर, शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब होते हैं इसमें, अमाइनो एसिड्स भी इसमें आते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में शुगर्स भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आती हैं। क्यों आती हैं? बिकॉज शुगर जो है आपका मोनोमर की शुगर की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं हो रही है, मोनोमर शुगर की बात हो रही है, यानी सिंगल यूनिट। जैसे शुगर का मोनोमर यूनिट क्या है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज अ शुगर। अमाइनो एसिड जिसकी बात कर रहे हैं वो भी एक सिंगल अमाइनो एसिड की बात करी है, और ऐसे 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और जब ये बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में चेन होते हैं, बहुत लंबी लंबी चेन ये बनाते हैं, तब जाके प्रोटीन्स बनते हैं। चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज प्रोटीन, आपस में बॉन्ड बनाना के, आपस में बॉन्ड बना बना के प्रोटीन बनाते हैं। पर अगर अकेले अमाइनो एसिड की बात करें तो वो किस में आएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे, दे विल कम इन द माइक्रो मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड भी सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल में लार्ज साइज के होंगे, हाई मॉलिक्यूलर वेट अबव 10,000 डाल्टन, मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल का 10,000 डाल्टन से ज्यादा वेट है, फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, मतलब ये घुलते नहीं है। अगर हम सेल को तोड़े हैं और सेल को एक सोल्यूशन में बनाए तो ये दे डो नॉट डिसॉल्व, तो दे आर एसिड इनसॉल्युबल। जैसे मान लो हमने कुछ टिश्यू लिया, उस टिश्यू को हमने क्रश किया, चाहे हमने प्लांट का टिश्यू लिया हो, उसको अगर हम क्रश करते हैं और एसिड में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड नाम का एसिड होता है, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जब आपने कल पढ़ा होगा बुक में तो उसमें दिया था कि हम कुछ मटेरियल लेते हैं, उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड उसमें मिलाते हैं और फिर हम उसे छानते हैं, तो कुछ चीजें जो होती हैं वो छलनी में मसलिन क्लॉथ के ऊपर रह जाती हैं, जब हम छान रहे हैं बीकर के अंदर नहीं जाती। यहाँ पे हम एक पतला सा कपड़ा रखते हैं मलमल का और एक स्पून रख के और उससे छानते हैं, तो कुछ चीजें तो नीचे लिक्विड में आ जाएंगी, ठीक है, जो लिक्विड में आ जाएंगी वो तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, पर जो लिक्विड में नहीं आएंगे, जो ऊपर ऊपर रह जाएंगे, इस कपड़े के ऊपर ऊपर रह जाएंगे,
वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि इनका साइज भी बड़ा है, वो छन नहीं सकते, वो घुलते भी नहीं है, दे आर इनसॉल्युबल, दे डोंट डिसॉल्व ऑल्सो. समझ में आ रही है मेरी बात में क्या कह रही हूँ? तो दे आर कार्बोहाइड्रेट, दे आर लिपिड, दे आर प्रोटीन्स एंड दे आर न्यूक्लिक एसिड, जो घुलेंगे नहीं, जो ऊपर छलनी में रह जाएंगे. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके, तो यहाँ पर जो भी हायर मॉलिकुलर वेट वाले सब्सटेंस हैं, यानी जिनका वेट ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स और प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का, और जो पॉलीमर्स हैं इनको क्या बोला गया है? पॉलीमर्स. पॉलीमर्स आर व्हाट? दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. एंड मोनोमर्स, मैंने बोला था शुगर सिंगल है, अमाइनो एसिड सिंगल है, न्यूक्लियोटाइड सिंगल, सिंगल की बात करें तो मोनोमर सिंगल यूनिट मोनोमर्स, मोनोमर्स माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. क्लियर? मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल, बायोमोलिक्यूल बिल्डिंग ब्लॉक, मेजर फंक्शंस, बायोमोलिक्यूल प्रोटीन है, बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड्स है, मेजर फंक्शन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उसका. तो यानी कि आपका जो बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन जिसका नाम है, ये सब बायोमोलिक्यूल के नाम लिखे हुए हैं प्रोटीन बायोमोलिक्यूल के कॉलम में. बायोमोलिक्यूल के कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5 फाइव तरह के बायोमोलिक्यूल्स के नेम दिखा रखे हैं यहाँ पे. प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेक्राइड, लिपिड. सामने ही उनका मोनोमर लिख रखा है कि मतलब प्रोटीन किसके बनते हैं? अमाइनो एसिड्स. डीएनए किसका बनता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का. आरएनए किसका बनता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का. मेजर फंक्शंस, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन. मतलब प्रोटीन का मेजर फंक्शन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर बनाना, बॉडी का फंक्शन देना सेल को, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है. एंड प्रोटीन का फंक्शन हो गया ये मेजर फंक्शन, कि जैसे बॉडी का डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन. ठीक है, डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है. उसका फंक्शन क्या होता है? अभी भी हम सेल चैप्टर पढ़ के आए हैं, उसमें भी हमने पढ़ा कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रखना डीएनए का फंक्शन. प्रोटीन का स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल काम है. जैसे मैंने आपको बोला था बालों में भी प्रोटीन है, स्किन में भी मेलानिन प्रोटीन होता है, बालों में केराटिन प्रोटीन, तो प्रोटीन मसल्स में भी मैंने बोला था प्रोटीन्स होते हैं. तो स्ट्रक्चर देने वाला, हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर देता है वो प्रोटीन है. तो डीएनए क्या देता है? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन. हेरिडिटी इंफॉर्मेशन मतलब जो हमारी कैरेक्टर्स हैं. आप हेरिडिटी पढ़ते आए हो, टेंथ में पढ़ा है आपने हेरिडिटी. जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, यानी किस तरह का आपके फीचर्स हैं, वही डीएनए में इंफॉर्मेशन कोड होती है. आरएनए क्या करता है? आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प कर. जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि आरएनए बनता है डीएनए से, और फिर उसी आरएनए से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स. ठीक है, तो आरएनए क्या कर रहा है? प्रोटीन का एक इंटरमीडिएट है. जब तक आरएनए नहीं बनेगा, जब तक प्रोटीन नहीं बन सकता. डीएनए से ही आरएनए बनता है पहले, और फिर आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन. आरएनए से बनता है प्रोटीन. तो आरएनए प्रोटीन में हेल्प करता है बनाने में, यही उसका फंक्शन है. पॉलीसेक्राइड किससे बने हैं? मोनोसेक्राइड से बने हैं. उनकी मोनोमर यूनिट मोनोसेक्राइड है, और मोनोसेक्राइड क्या करती हैं? एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करती हैं. लिपिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बने होते हैं, एंड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड्स.
है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, एंड ये क्या करते हैं स्टोर एनर्जी के फॉर्म्स है। लिपिड ज्यादातर एनर्जी स्टोर करने के जरिए होते हैं, ठीक है। ओके मैम, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। तो अब आप मुझे रिपीट करके बताओ मैंने क्या बताया। प्रोटीन्स किसके बने हैं, टेल मी, अमाइनो एसिड्स। और प्रोटीन्स का वर्क क्या बताया, स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। स्ट्रक्चर देना, एग्जांपल क्या बोला था, हेयर, नेल्स, मसल्स, ठीक है, ये एग्जांपल दिए थे। हेयर में भी प्रोटीन्स हैं, मसल्स में भी प्रोटीन्स हैं, एंड आपके किसमें प्रोटीन्स हैं, हेयर्स, मसल्स, नेल्स में प्रोटीन्स हैं, नेल्स बोले थे, ठीक है। जहां नेल्स और हेयर्स का जो प्रोटीन है वो सेम ही है, पर बस उसका थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो केराटिन जो प्रोटीन है वो हेयर में भी मिलता है, KERATIN, केराटिन हेयर में भी मिलता है और नेल्स में भी मिल रहा है, बट उसका क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म नेल्स में है, पतला फॉर्म हेयर्स में। डीएनए क्या है, डीएनए किसका बना है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। उसके बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और उसका वर्क क्या बोला हमने, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करना, यानी हेरिडिटी। आरएनए, आरएनए किसका बना है, राइबो, और उसका क्या काम है, वो क्या बनाएगा, वो काम बनाएगा प्रोटीन्स को बनाएगा। पॉलीसेक्राइड किसके बने होते हैं, मोनोसेक्राइड के चेन बनने से बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे, ग्लूकोज 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 आपस में चेन हो जाए अगर, ठीक है, एन नंबर ऑफ, एन में कुछ भी आ सकता है। तो ग्लूकोज की लंबी सी चेन को ही क्या बोलते हैं, स्टार्च। तो स्टार्च क्या हो गया, स्टार्च बिकम्स अ पॉलीसेक्राइड, ठीक है। जो हम चावल में खाते हैं, जो हम आटे में खाते हैं, वो स्टार्च क्या है, वो पॉलीसेक्राइड है, पर बना ग्लूकोज के लंबी से बना है। और ये क्या करेंगे, स्टोर फॉर्म है एनर्जी का, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लिपिड्स है, लिपिड्स किसके बने बताए मैंने, फैटी एसिड्स और ग्लाइकोजन। ये क्या करेंगे, ये भी स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं जब भी लॉन्ग टर्म डिमांड्स करनी होती है, नीट लंबे समय के लिए अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, लिपिड्स उससे एनर्जी दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट ये लोग समझा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में आप देख रहे हो स्ट्रक्चर कैसा है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर अगर ओपन चेन करके दिखाओ तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया है ग्लूकोज का, इट इज अ स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 कार्बन है। तो ये क्या फॉर्मूला है, H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, जब हम 10th में पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप आपको यहाँ दिख रहा है CHO, बाकी सब जगह आपको OH, H, फिर यहाँ रिवर्स हो गई है, OH इधर, H इधर, HOH, तीन, फिर तीन OH कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में है, फिर लास्ट में क्या है, H। अगर ये चेन हो जाता है, ओपन चेन तो इस तरीके का दिखता है, अगर ये चेन हो जाता है तो ये बोट फॉर्म का दिखता है, बोट फॉर्म मतलब ऐसा हेक्सेन फॉर्म, जैसे कोई नाव होती है, ठीक है। तो अगर रिंग हो जाता है, ये रिंग फॉर्म में आ जाए तो ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स अ 6 कार्बन है, 6 कार्बन शुगर बनाना हो तो इस तरह का शुगर ये बन जाता है। इसे मैं बना नहीं पा रही हूँ, नीचे दिया होगा उसका स्ट्रक्चर। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं नेचर के,
term carbohydrate is derived from the French term hydrate. The carbon means carbohydrate का meaning है carbo पानी मिलाना. इसमें कार्बन में, कार्बन में पानी मिला हुआ है, मतलब फॉर्मूला यही हो गया. कार्बन को सी एन को आपने क्या कर दिया, एच टू एन जोड़ दिया उसमें. मतलब कार्बन जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से आपने वाटर को भी उतने से ही, उतना ही उसमें वाटर भी जोड़ दिया तो कार्बोहाइड्रेट बन गया. इसका फॉर्मूला हो जाता है सी एन एच टू ओ एन, सी एन एच टू ओ एन. ऐसे पढ़ते हैं इसको. क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, CnH2O(n). 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 तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कार्बन में हम वाटर जोड़ दे रहे हैं, हाइड्रेटेड कर रहे हैं. आपने ये वर्ड सुना होगा कि आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए. हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब सिंपल होता है पानी, खूब सारा पानी पियो. अपनी बॉडी के अंदर पानी आपके अंदर खूब होना चाहिए, उसको हम कहते हैं यू आर हाइड्रेटेड. और अगर आप पानी नहीं पीते हो तो हम बोलते हैं कि बॉडी कैसी हो रही है, सूख रही है और बॉडी में पानी बिल्कुल भी नहीं है, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में. तो अगर लूज मोशन हो जाते हैं तो भी तो हम बोलते हैं ना ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन पियो, मतलब ORS. ORS क्या करता है, पानी को जाने से बचाता है. फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और उसके पहले एक और लाइन लिखिए, कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग सी एच एंड ओ. ऐसा सब्सटेंस है ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, जहाँ पे एच और ओ रेशियो में होते हैं 2:1 में. ठीक है, एंड जैसे कि एच एंड ओ में तो 2:1 होना ही है बिकॉज वॉटर है वो. वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो तो पता ही है आपको, 2 हाइड्रोजन और 1 वाटर यानी H2O, ये तो उसका रेशियो जनरली है. तो सेम ही पॉइंट लिखा हुआ है, नॉर्मल पॉइंट लिखा हुआ है ये. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या पॉइंट लिखे हुए हैं, कि मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, 4 कैलोरीज पर ग्राम होता है सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें. सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि सब वैरायटी सबसे ज्यादा इनकी है. अबंडेंट मतलब हर जगह मिलने वाले. ठीक है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं वो नहीं इन्होंने कहा, पर कहा है अबंडेंट. कोई चीज अबंडेंट होती है दैट मींस इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है जो सब जगह मिलते हैं और एनर्जी का सोर्स बनते हैं. नॉर्मली इनमें 1 ग्राम में 4 कैलोरी रिलीज होती है, एंड प्रीकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड फैट्स अमीनो एसिड्स. ये काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम. मेम्ब्रेन प्रेजेंट इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन द सेल. एंड आपने ये तो पढ़ा ही है, मेम्ब्रेन के अंदर ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में. मैंने बोला था अगर प्रोटीन से कोई शुगर जुड़ी है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड से कोई शुगर जुड़ी है तो ग्लाइको लिपिड्स. तो कार्बोहाइड्रेट की चेन थी वो छोटी छोटी सी. ठीक है, क्लियर हुआ कहाँ प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, प्रिकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. मतलब ये फैट्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं और अमीनो एसिड्स बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट हेल्प करते हैं. पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आपको? कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और अमीनो एसिड्स बनाने में भी हेल्प करते हैं. एंड कार्बोहाइड्रेट कुछ ऐसे फंक्शन भी करते हैं जैसे कि सेल ग्रोथ करवाना, फर्टिलाइजेशन करवाना, मतलब दो सेल्स को आपस में फ्यूज कराने में भी कार्बोहाइड्रेट्स का रोल है. सेल को बड़ा करने में भी, सेल की ग्रोथ कराने में भी कार्बोहाइड्रेट का रोल है. प्रेजेंट एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक सेलुलोज इन वॉट इन प्लांट्स, एक्सोस्केलेटन सम एनिमल्स, सेल वॉल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह भी काम करते हैं. सेलुलोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट मिलता है प्लांट में. कहाँ मिलता है? सेल वॉल में. सेलुलोज इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट सेल्स एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट, सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये सब भी कार्बोहाइड्रेट की बनती है. स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है ग्लाइकोजन, जो मैंने बोला कि अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो बॉडी में लीवर में कहाँ स्टोर हो जाएगा? ग्लाइकोजन की
फॉर्म में स्टोर हो जाएगा एटमॉस्फेयर इज इट क्लियर टू एवरीवन यस मैम ओके कार्बोहाइड्रेट के फिर फ्लोचार्ट में उसको डिवाइड करके दिखाया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ उसके अंदर कितने शुगर हैं अगर उसमें सिर्फ एक ही शुगर है तो वो कौन से कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे उसके नाम क्या रखेंगे हम मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड अगर उसमें दो शुगर है दो से लेकर दस तक शुगर है उसमें दस शुगर भी है तो डाइसैकेराइड या टेट्रासैकेराइड उनको कहा जाएगा अगर उसमें 10 से ज्यादा है थाउजेंड तक जा सकती है या कोई अनलिमिटेड नंबर तक जा सकती है तो देयर इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड इज इट क्लियर यस मैम सो आई वांट एनीवन ऑफ यू टू रीड सम पॉइंट्स फ्रॉम दिस मोनोसैकेराइड के पॉइंट्स पढ़िए कोई एक बच्चा इसको पढ़ लो यस इधर वैशाली और कथा कोई एक बच्चा इसको पढ़ लो मोनोसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड उनकी पॉइंट्स पढ़िए मैम बुक्स नहीं बेटा यहीं से पढ़ना है ये स्लाइड दिख रही है इसको रीड करो ओके मैम मोनोसैकेराइड बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट ए बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सी एटम्स कार्बन एटम्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑलिगोसैकेराइड्स they can be further hydrolyzed disaccharides trisaccharides tetrasaccharides polysaccharides non crystalline non soluble in water tasteless on hydrolyzed given mole of monosaccharides example starch and cellulose सो आपने पढ़ लिया इसको नाउ इसमें हमने देखा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप दो तरीके के आपके मोनोसैकेराइड्स हैं कार्बन एटम के बेसिस पे हम नाम दे सकते हैं जैसे कि हम किसी शुगर को ट्रायोज कह सकते हैं अगर उसमें तीन कार्बन है तो वो ट्रायोज शुगर हो गई अगर उसमें पांच कार्बन है तो वो पेंटोज शुगर हो गई अगर उसमें छह कार्बन है तो हेक्सोज तो ये जो वर्ड हैं ये तो आप एल्केन्स में भी पढ़ते थे जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा था सिक्स के लिए हेक्स यूज होता है पांच के लिए पेंट यूज होता है थ्री के लिए ट्राई यूज होता है ओज 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 लगाया है ओज इज फॉर व्हाट योर शुगर्स नॉन ऑलिगोसैकेराइड्स में अगर हम बात करें तो दीज आर having two sugars then disaccharide and if any sugar is having three sugars combined they can be further hydrolyzed that means ye sugar ki bond form mein yahan par hydrolyze nahi ho sakte yani ye single unit hai
राइबोस, राइबोस शुगर, जैसे अगर मैं राइबोस शुगर की बात करूँ, एक राइबोस शुगर की बात करती हूँ जो पेंटोज है। अब ये 5 कार्बन की शुगर है, इसमें 5 कार्बन है और 5 कार्बन ऐसे लिंक है रिंग फॉर्म। इसको मैं हाइड्रोलाइज करना चाहूंगी तो मुझे इसको तोड़कर कोई और शुगर थोड़ी मिलेगी। ये खुद ब्रेक हो सकती है बट इट विल नॉट रिलीज शुगर्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो यही बोल रहे हैं कि इसको छोटी यूनिट्स में और छोटी यूनिट्स में तोड़ा नहीं जा सकता मोनोसैकेराइड्स को, पर ऑलिगोसैकेराइड्स को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। जैसे कि डाइसैकेराइड की बात करूं, मैं डाइसैकेराइड की बात अगर करूं तो जैसे आपका लैक्टोज है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। जो लैक्टोज होता है वो मिल्क शुगर होती है, मिल्क में भी एक चीनी होती है, मिल्क की भी अपनी एक शुगर है जो लैक्टोज है, और इसके अंदर दो दो शुगर्स बॉन्डेड होती हैं, मतलब इसमें दो शुगर्स लगी हुई होती हैं, एक गैलेक्टोज, ये दो शुगर के बॉन्ड से बनी है। तो अगर मैं कोई एक ऐसी इंजाइम लगाऊं जो लैक्टोज को ब्रेक करे, तो लैक्टोज ब्रेक होने के बाद गैलेक्टोज और ग्लूकोज को देती है, ये हाइड्रोलाइसिस के बाद फर्दर शुगर्स को रिलीज करते हैं। ऑलिगोसैकेराइड्स आर सच काइंड ऑफ स्मॉल शुगर्स दैट कैन हाइड्रोलाइज फर्दर टू रिलीज शुगर्स, स्मॉलर यूनिट में टूट सकते हैं। पॉलीसेक्राइड्स भी ऐसे ही होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स टूटने के बाद बहुत सारे गिव्स मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स को जब तोड़ा जाता है, जैसे उन्हें पिछली बार बताया था कि स्टार्च क्या है, स्टार्च जस्ट एक ब्रांच और बहुत लंबी चेन है किसकी, ग्लूकोज की। बहुत सारे इसमें क्या जुड़े हुए हैं, ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, तो ग्लूकोज की एक बहुत लंबी फॉर्म है स्टार्च, स्टार्च हुई, सेलुलोज हुई, उसमें बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े रहते हैं। तो इनका भी अगर ब्रेक होगा स्टार्च का, सेलुलोज का, तो ये भी क्या करेंगे, बहुत लार्ज अमाउंट में शुगर्स को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर रहे हैं। मोनोसैकेराइड को आगे भी दिखा रखा है, जो मैं बात बता रही थी वही है यहाँ पर, कि किस तरीके से 3 कार्बन है तो ट्रायोसिस बोला, ट्रायोसिस का नाम है ग्लिसराइडिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों क्या है, ट्रायोज है, 3 कार्बन की शुगर्स है, ग्लिसराइडिहाइड हुई, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हुई, दीज आर 3 कार्बन शुगर्स। टेट्रोसिस, टेट्रोसिस क्या होते हैं, C4H8O8, ये 4 कार्बन की शुगर है। रिथ्रोज, थ्रियोसिस, रिथ्रोज थ्रियोसिस क्या है, 4 कार्बन की शुगर है। पेंटोसिस 5 कार्बन की शुगर है, राइबुलोज, ज़ाइलोज, अरेबिनोज 5 कार्बन की शुगर्स है। एक्सोसिस 6 कार्बन की शुगर है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये 5 कार्बन की शुगर्स हैं, इनमें 5 कार्बन होते हैं। हेप्टोसिस में 7, स्यूडोहेप्टोसिस, ग्लूकोहेप्टोसिस। समझ में आ रहा है बात क्या हो रही है, बात हो रही है नंबर के ऊपर। टेट्रा मीन्स 4, पेंटो मीन्स 5, ट्राइ मीन्स 3, हेक्स मीन्स 6, हेप्ट मीन्स 7। क्लियर। एल्डोसिस, एल्डोसिस में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, ऐसी कुछ ऐसी शुगर्स जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, दे आर हैविंग एल्डिहाइड, एल्डोसिस। मैम पॉलीसेकेराइड्स, हाँ बताओ, कीटोसिस, पॉलीसेकेराइड्स का कुछ नहीं होता है, पॉलीसेकेराइड्स में क्वेश्चन आते हैं, बस ये बताना होता है कि दे आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। कार्बन एटम्स आते हैं, बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं पॉलीसेक्राइड्स में। यू कैन सी, एक बार समझा दो आप, सेलुलोज है बेटा, सेलुलोज इज अ पॉलीसेक्राइड। यू कैन सी ये प्लांट में मिल रहा है और बहुत सारे ग्लूकोज इसमें जुड़े रहते हैं, सेल वॉल बनाता है, इट्स अ पॉलीसेक्राइड। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इट्स अ पॉलीसेक्राइड। कैन यू सी सेल, ग्लूकोज, स्टार्च, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, होमोपॉलीमर। ठीक है, ये बहुत सारे